हीटवेव ने इन दिनों भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रखा है। इसके चलते लोग घरों से निकलने में भी सोचने लगे हैं। भारत में पहले के मुकाबले हीटवेव के दिन अत्यधिक गर्म और लंबे हो गए हैं। आमतौर पर हीटवेव पहले 4 से 8 दिनों का ही होता था, लेकिन अब 20 दिन तक चल रहा है। ऐसे में इस हीटवेव से बचने के लिए मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर कुछ एडवाइजरी जारी की जाती है। देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से हीटवेव या गंभीर हीटवेव की स्थिति देखी गई। मई तक इसका असर ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में देखने को मिली। हाल ही के अध्ययनों से पता चलता है कि आर्द्रता का स्तर काफी बढ़ गया और रात के समय ठंडक कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लू की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अब लू 20 दिन तक चलती है। पिछले 2 वर्षों में ही भारत ने 228 लू वाले दिन देखे हैं। वहीं 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था। विशेषज्ञ इन सबके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। उनके मुताबिक इससे चरम मौसम की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ जाती है। गर्मी का असर इंसानों पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञ इन गर्म लहरों के लिए 2 कारणों की ओर इशारा करते हैं। पहला, अल नीनो का प्रभाव देखने को मिला, जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पानी की असामान्य गर्म होने के कारण बनता है। इससे हीट वेव बढ़ती है। दूसरा, दक्षिणी प्रायद्वीप और दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर उच्च दबाव प्रणालियों की उपस्थिति है। ये तेज गति से चलने वाली गर्म हवाएं पृथ्वी की सतह के करीब आती हैं, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। आमतौर पर सभी गर्म दिन हीट वेव नहीं होते। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक या सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक होता है, तब लू की घोषणा होती है। वहीं तटीय क्षेत्रों में ये सामान्य से 37 डिग्री सेल्सियस या 4.5 डिग्री से अधिक रहने पर एक क्षेत्र में 2 केंद्रों को लगातार 2 दिन तक ये तापमान रिकॉर्ड करना होगा। भीषण गर्मी के लिए पारा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए। साल 2010 में अहमदाबाद में हीटवेव के कारण 800 लोगों की जान चली गई थी। इसके 3 साल बाद भारत में पहली बार हीटवेव कार्य योजना समिति बनाई गई। इस वक्त देश के ज्यादातर राज्यों के पास हीटवेव से रिलेटेड कार्य योजना है। इस समिति का गठन स्थानीय स्तर पर हीटवेव से जुड़ी जानकारी के लिए किया गया था। इस योजना के तहत स्थानीय जानकारी के आधार पर अधिकारियों से हीटवेव से निजात दिलाने में मदद मिलती। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।